फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताया था कि सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है और इन तीनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है। फाइनली लास्ट कंक्लूजन हमारा ये था, यदि किसी ऑब्जेक्ट का पूरी डेंसिटी यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और इनके अंदर के हर एक छोटे छोटे पार्टिकल के लिए जी की वैल्यू सेम हो और स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म हो, तो इस केस में सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो आज हम बात करेंगे इस केस में सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का कौन कौन सा मेथड है। अपने पास ये तीन मेथड है, अपन कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंसिड्रेशन से, और दूसरा है बाय मोमेंट से, और थर्ड है अपना बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। ज्योमेट्रिकल कंसिडर यानी कि जो हमें रियल में दिखता है। चलिए ये देखिए, ये है कुछ डायग्राम अपने पास स्पेशल। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो ये बी है और ये डी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वह अपना हो जाएगा डी बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक का बी बाई टू। और ट्रेंगल में ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स है, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, बी बाई थ्री, और यहाँ से यहाँ तक ये एच है पूरा, तो ये यहाँ से सी जी तक का एच बाई थ्री हो जाएगा। अपने पास थर्ड आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए ये देखिए, यहाँ पर कहीं होगा, नीचे वाला ज़्यादा लेंथ का है, ये बी है, ऊपर वाला ए है, तो लगभग ऊपर से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का तो कुछ कम होगा अनुमान से लग रहा है। तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला होता है एच बाई थ्री बी प्लस टू ए अपॉन में बी प्लस ए। हाँ, अगर यदि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, तो अपन वो अपने ऊपर डिपेंड है, कभी रेफरेंस लाइन मान लीजिए यहाँ ले, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा बी बाई टू। अगर यदि कभी आपको मन होगा कि रेफरेंस लाइन ये ले, तो अगर ये रेफरेंस लाइन लेंगे तो वहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा ए बाई टू। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि रेफरेंस लाइन क्या कहाँ से लेते हैं। ये सेमी सर्कल अगर आया तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 4r/3π। ये अगर ऐसा डायग्राम आया अपने पास तो ये हो जाता है 4r/3π एक्स का वैल्यू, और वाई का भी वैल्यू 4r/3π। ये देखिए, अगर ऐसा हो, ऐसा कोई डायग्राम हो यहाँ पर अल्फा एंगल हो, यहाँ ध्यान रखना है कि यह हाफ वाला एंगल ही अल्फा है, तो सी जी कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो होता है 2/3r sin α/α। अपन ये सेमी सर्कल जो है ना, तो सेमी सर्कल वाला भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं वैल्यू, तो आप निकाल करके देख लेंगे। यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू ये हाफ एंगल लेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक का, तो अल्फा का वैल्यू π/4। यहाँ अल्फा का वैल्यू π/4 रखना तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आप करके देख लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब क्या देखते हैं, सेकेंड है अपना बाय मोमेंट। इसके ऊपर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के ऊपर लेंगे अपन अभी प्रॉब्लम। ये देखते हैं मोमेंट, मोमेंट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो मोमेंट मेथड मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो और ये ऑब्जेक्ट का, ये पूरा ऑब्जेक्ट का जो है मास एम है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ये यहाँ जी है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, अपन एक रेफरेंस कोई ले लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस। तो ये जो इसका जो मेन वाले का सी जी जो है, मेन वाले का जो सी जी है यहाँ से यहाँ तक, ये है अपना एक्स बार मान लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल में बांट लो। ये अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बना हुआ है मिल करके, तो हर एक का सी जी होगा कहीं ना कहीं, हर एक का सी जी होगा, हर एक का सी जी यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको मान लो मास एम वन है, इसका मान लो मास एम टू है, और इसका मान लो मास एम थ्री है। इस ऐसे ही बहुत सारा पार्टिकल हो सकता है इसमें, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा यहाँ से यहाँ तक मान लिए एक्स वन है, और इसका सेकेंड वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक्स टू है, और थर्ड वाले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि एक्स थ्री है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और मास क्या हो जाएगा एम वन एम टू एम थ्री, और हॉल बॉडी का मास क्या था, कैपिटल है, और हॉल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार रखे हुए हैं, एक्स बार। तो चलिए, तो मोमेंट मोमेंट्स मेथड से क्या करते हैं, ये हॉल बॉडी का मोमेंट
ऑल बॉडी का मोमेंट क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम इंटू एक्स बार, ये यहाँ से यहाँ तक का ऑल बॉडी का जो मोमेंट है, इक्वल टू क्या होता है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, प्लस में जितना भी बहुत सारा बॉडी से मिलकर के बना है तो वो हो जाएगा, जितने बॉडी से मिलकर के वो बना हो। तो यहाँ से एक्स बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम इंटू एक्स अपॉन में कैपिटल एम, ये हमारा यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं एक्स बार। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली वाई बार अगर यदि निकालने का होगा तो वही समेशन ऑफ एम इंटू वाई अपॉन में कैपिटल एम। चलिए ये तो रहा हमारा मेथड, मोमेंट मेथड से कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो कुछ आज हम न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल से पहले कुछ बेसिक टर्म है उसको समझ लेते हैं। ये फर्स्ट आया अपने पास क्या है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या है, इस चीज को अपन समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का तो अपने पास अपने को पता चल जाएगा कि सी जी यहाँ पर है, सी जी यहाँ पर है। अब इस सी जी को दिखाने के लिए कोई कहाँ से डिस्टेंस दिखाओगे, कोई रेफरेंस एक्सिस तो लेना पड़ेगा ना। तो वही जो रेफरेंस एक्सिस, मान लो कभी कभी हमारा मन है कि रेफरेंस एक्सिस यहाँ से ले, तो ये हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस एक्सिस जो है आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो आपका मन हो तो यहाँ से ले सकते हैं इसको रेफरेंस एक्सिस, मन हो तो इसको रेफरेंस, लेकिन मोस्ट केस में हम ये लेफ्ट साइड से मान लेते हैं और नीचे बेस से मान लेते हैं। तो चलिए एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप समझ गए। तो अपन देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे प्लेन फिगर का। प्लेन फिगर में ये आएगा अपने पास टी सेक्शन, आई सेक्शन और एल सेक्शन, ये तीनों सेक्शन का अभी सी जी फटाफट निकाल के अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, ये अपने पास मान लीजिए ये कोई डायग्राम है, ये पूरा ये डायग्राम है। तो ये अपने को देखने से ही लग रहा है कि अपन इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ये एक पार्ट ऊपर का इसको मान लो फर्स्ट है, इसको मान लो सेकेंड है, और इसको थर्ड है। तो इसके लिए यदि होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का होगा तो एज्यूम करते हैं कोई, यदि मान लो कि यहाँ से ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, तो यदि यहाँ से एक्स बार निकालना हो, ये देखिए तो एक्स बार यानी कि होल बॉडी का यहाँ से डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से, तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा ए वन एक्स वन प्लस में ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री और जितना भी बॉडी हो हमारे पास, ये नीचे क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इससे ज़्यादा अगर बॉडी से मिल करके बना हो तो वो हो जाएगा। और वाई बार निकालने का अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस में ए थ्री वाई थ्री प्लस में डॉट डॉट जितना भी बॉडी हो, ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री, यहाँ पर अपने पास तीन ही है। चलिए अब इस फॉर्मूला को, हाँ एक बात और बता दूँ, यदि कोई हॉल बॉडी है, ये कोई हॉल बॉडी है, इसमें से अगर बताया जाए कि ये पोर्शन काट के निकाल लिया गया है, तो अपने पास ये बॉडी अपने पास बचा, ये इतना बॉडी, तो इस बॉडी का जो ये काट के निकाल लिया गया है, तो इस बॉडी का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का होगा तो ये जहां जहां प्लस लगाए हैं उसकी जगह पर आप माइनस लगा देंगे। तो चलिए और न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन लेते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है टी सेक्शन का। तो चलिए ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए 100 mm इंटू 150 mm इंटू 30 mm टी सेक्शन। तो अपने पास ये सेंटेंस में लैंग्वेज में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यदि ये इस साइज में दिया हुआ है टी सेक्शन लिखा है तो टी सेक्शन बना लेना है, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला वैल्यू देना है 150, और 100 इसको रखना है, और 30 थिकनेस दिखा देना है। तो चलिए ये जो अपने पास क्वेश्चन आया है इसको क्या करते हैं अपन दो पार्ट में बांट लेते हैं, यहाँ से इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। इस पार्ट करने से पहले अपने को ये देखना रहता है, सबसे पहले अपन देखेंगे डायग्राम में ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए इस डायग्राम में देखते हैं, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, देखिए यहाँ से ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से हाफ पार्ट इधर है, सेम का सेम हाफ पार्ट इधर है, तो ये हो गया। यहाँ लिख दे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में अपन इसका, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तो लिख देते हैं द सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई वाई एक्सिस,
चलिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन फिर क्या करते हैं, ये वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक हो गया, मतलब सीजी यहाँ कहें इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, अपने को देखने से ही लगता है कि यहाँ कहीं लाई करेगा इसके आसपास, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं, लेट बॉटम ऑफ द वेव, बॉटम ऑफ द वेव, तो चलिए ये बॉटम, बॉटम ये है, तो यहां पर कोई एक्सिस मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं ए, ए डैश। क्या है कि एक चीज, ये वेव किसको बोलते हैं, ये हमारा ये जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे वेव, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं फ्लेंज। ये देखिए, ये ए ए को रेफरेंस एक्सिस ले लिए हैं, बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। चलिए अब अपन यदि आते हैं फिगर वन में, फर्स्ट में इन फिगर वन, वन यानी कि ये यहां से ऊपर वाले पोर्शन में बस अपने को देखना है, मतलब ये वाला पोर्शन में, ये नीचे का भी नहीं देखना है, नीचे को भूल जाओ। तो चलो इस वाले पोर्शन के लिए सीजी कहां पर होगा, इसका सीजी ऊपर वाले डायग्राम का, नीचे का अपन अभी भूल जाते हैं, ये नीचे का अभी अपने को नहीं देखना है, तो इसका सीजी कहां पर होगा, इस मिड में। इस मिड में कहने का मतलब क्या, यहां से यहां तक पूरा तो 30 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 30 का, हाँ, और उसमें ऐड हो जाएगा यहां से यहां तक, तो अपन यदि दो पार्ट में बांट लिए तो उसी समय अपने को ये होना चाहिए कि 150 था ये, तो ये अपना जो नीचे वाला डायग्राम है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा 150, तो ये होगा कितना 120, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो ये 120 हो गया, तो इसका फर्स्ट वाले डायग्राम का सीजी यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले डायग्राम का सीजी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका काम पड़ेगा एरिया का, फर्स्ट वाले डायग्राम का एरिया लिखते हैं, तो वो हो जाएगा 100 × 30 इक्वल टू 300,000, और यदि वाई वन लिखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ तक का लेंथ लिखना है अपने को, तो ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 120, 120 प्लस में इसका हाफ 30 का हाफ, 30/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 135 mm आ जाएगा। अब यदि फिगर सेकेंड में चलते हैं, इन फिगर सेकेंड, तो सेकेंड फिगर में देखिए ये ए टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस वाले पोर्शन का, तो ए टू क्या हो जाएगा 120 × 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 mm² और वाई टू अगर निकालने का होगा, वाई टू क्या है, नीचे वाले डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे वाले डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करें, तो ये हो जाएगा 120 का हाफ, 120/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 60 mm। अब क्या है, दोनों बॉडी का अलग अलग इंडिविजुअल एरिया और इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिए हैं, तो फाइनली अपने को क्या निकालना है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ए ए एक्सिस, क्या लिखे हैं, जो इसका होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने वाला है, यानी कि मान लेते हैं अभी यहाँ आने वाला है जी, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने वाला है उसके और ये रेफरेंस एक्सिस जो लिए हैं उसके बीच का डिस्टेंस, तो उसके बीच का डिस्टेंस ये वाई बार मान लो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन में ए वन प्लस ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000, ये इंटू में 135 ये वाला, प्लस में ए टू ले लो ये 3600 है और ये 60 ये वाला वाई टू, ए वन प्लस ए टू नीचे में, तो ये ए वन तो 3000 प्लस में 3600, ये ए वन प्लस ए टू ले लिए, इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 94.091 mm होगा, तो ये हमारा वैल्यू कौन सा होगा, ये हमारा वैल्यू होगा यहां से लेकर के यहां तक का, जो होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने वाला है वो हमारा ये हो गया। देखिए इसमें क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसको देख लिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये हमें देखने से लग रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था,
तो दूसरा स्टेप आता है अपने पास, किसी एक को जो है बॉटम मान लीजिए, यहाँ पर रेफरेंस दो पार्ट में बांट लिए डायग्राम को, तो ये हो गया फिगर 1, फिगर 1 का एरिया और उसका सीजी निकाल लिए, फिर फिगर 2 का एरिया और सीजी निकाल लिए, फिर दोनों के एरिया और सीजी को रख करके यहाँ फाइनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिए। अब अगला प्रॉब्लम आता है अपना, एक अगला प्रॉब्लम लेंगे, तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है अपना। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए चैनल सेक्शन, साइज ये दिया हुआ 100 बाय 50 बाय 15 mm। तो ये रहा डायग्राम अपने पास, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल 100 है और यहाँ से यहाँ तक ये 50 दिया हुआ है और इसका थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस ये थिकनेस यहाँ लिख लो, ये 15 दिया हुआ है, ये 15 mm। चलिए सबसे पहले अपन क्या बोले थे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो गिवन डायग्राम है अपने पास वो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये डायग्राम किसी न किसी ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो चलिए देखते हैं एक्स एक्सिस बोले तो ये देखिए इस एक्सिस के अबाउट इधर का डायग्राम जितना है वैसा ही सेम का सेम इधर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये तो अपने को पता चल गया है कि इसका सीजी कहीं ना कहीं इस एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सीजी लाई करेगा, लेकिन हाँ ये तो पता चल गया है नीचे से इतना डिस्टेंस यानी 100 का हाफ इतना डिस्टेंस पे इसका सीजी लाई करेगा, लेकिन हाँ ये रेफरेंस लाइन से इधर कितना डिस्टेंस पे इसका सीजी होगा यानी एक्स का वैल्यू, एक्स बार का वैल्यू इसमें निकालना है, एक्स बार का वैल्यू तो मान लेते हैं कहीं इसका सीजी होगा। तो इससे पहले ये तो देख लिए सेक्शन इस सिमेट्रिक अबाउट किसके है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस के, एक्स एक्स एक्सिस, तो चलो ये क्या है अब कोई ना कोई यहाँ पर रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, ये मान लेते हैं रेफरेंस लाइन ये ए और सी, ए सी लेट ए सी बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो चलिए ये क्या करेंगे इसको अपन अलग अलग पार्ट में इस डायग्राम को तोड़ लेंगे, अलग अलग पार्ट बोले तो या तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, ये देखिए तो ये अपना एक पोर्शन बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर आपको ऐसा न मन करे तो आप चाहे तो इस पोर्शन में ऐसे तोड़ सकते हो। तो चलिए अपन नए तरीके से तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा एक बॉडी बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा और ये तीसरा, तो ये अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा अच्छे से देखे तो इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये दो पार्ट, ये इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो थर्ड। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फिगर फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखो इन फिगर फर्स्ट, तो फर्स्ट फिगर में अगर यदि आएंगे तो फर्स्ट फिगर का एरिया कितना हो जाएगा 50 इंटू थिकनेस, ये तो A1 लिख लो यहाँ पर 50 इंटू 15, ये हो गया 750 mm², ये देखिए अब इसका सीजी कहीं ना कहीं होगा, इसका सीजी बोले तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये X1 क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले डायग्राम में अपने को अभी नहीं देखना है, ये ऊपर फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे, फर्स्ट वाले डायग्राम का सीजी कहाँ पर होगा 50 का हाफ, तो X1 का वैल्यू हो जाएगा अपना 50/2 इक्वल टू ये होता है 25 mm, और अगर यदि डायग्राम सेकेंड में जाएंगे इन फिगर फिगर सेकेंड में, तो फिगर सेकेंड यानी कि यहाँ से ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है लेंथ, चलो ये निकाल लो, ये देखिए यहाँ से 50 ये 15 और यहाँ से यहाँ तक भी 15, तो 15 15 30 माइनस चला जाएगा, तो 100 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा 70 बचा अपने पास। तो ये देखिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A2 क्या होगा 70 इंटू में 50 15, तो 1050 mm², ये इस वाले डायग्राम के लिए इसका सीजी कहाँ पर होगा, ये सेकेंड वाले डायग्राम का सीजी मतलब मेजरमेंट इसका सीजी कहाँ ही यहाँ होगा, मेजरमेंट कहाँ से करना है इस वाले एक्सिस के, इसको हम एक्सिस माने हुए ना AC को, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक है 15, तो 15 का हाफ हो जाएगा X2 हो जाएगा 15 का हाफ इक्वल टू 7.5 mm। और अगर फिगर थर्ड में चलते हैं, फिगर थर्ड में चलते हैं तो
तो उसके लिए देखिए, एक थ्री हो जाएगा कितना, ये देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक 50 है, थिकनेस ये है 15, तो ये हो जाएगा 75, जितना ऊपर का था उतना ही ये है mm स्क्वायर। और X3 कितना हो जाएगा, ऊपर का जितना 50 का हाफ, ये भी 50 का हाफ हो जाएगा, 50 का हाफ यानी कि 7 पॉइंट, सॉरी 50 का हाफ हो जाएगा 25 mm। तो यहाँ पर अपने को पता है, तो अब ये तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 निकाल ली। अब अपने को फाइनल हॉल बॉडी का सीजी चाहिए, तो हॉल बॉडी का सीजी फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन द सीजी सीजी ऑफ सेक्शन एंड रेफरेंस एसी, एसी को रेफरेंस लिए थे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बार, एक्स बार यहाँ पर क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस में a3 x3। यहाँ पर क्योंकि तीन डायग्राम है, नीचे में a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू, देखिए a1 का वैल्यू यहाँ 750 है, इंटू x1 का वैल्यू 25 है, प्लस में a2 का वैल्यू 1050 है ये, और x2 का वैल्यू 7.5 है, प्लस में ये a3 750, इंटू में ये 25, और नीचे में तीनों एरिया का सम यानी कि 750 प्लस में 1050 और प्लस में 750। तो अगर इसका पूरा सॉल्यूशन निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 17.794 mm। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये जो हम निकाले हैं एक्स बार का वैल्यू, एक्स बार का वैल्यू कहाँ से है, एक्स बार का वैल्यू यहाँ से इधर की तरफ है एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक तो 50 है, 15 है, तो ये आया 17.79। तो ये देखिए 15 से बाहर चल जाएगा, यहाँ कहीं सीजी होगा इस पूरे डायग्राम का। तो ये तो हो गया चैनल का। अब इसके बाद अपन देखेंगे, ऐसा डायग्राम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि वो किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे हैं, ये जो गिवन डायग्राम है, ये डायग्राम अपने को ये ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड करेंगे। तो चलिए रेफरेंस एक्सिस किसी को मानना पड़ेगा, अपन एज्यूम करते हैं लेट ए एफ यानी यहाँ से ये वाला एक्सिस एंड एफ ई, ये एक एक्सिस रेफरेंस ये ले लिए ए एफ और एक रेफरेंस ले लिए एफ ई, बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो चलिए फिगर इसको जो है अब क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस तो ले लिए, तो गिवन डायग्राम जो है अपने पास उसको जितने पार्ट से मिलकर के बना है उतने पार्ट में उसको तोड़ देंगे। तो आपका मर्जी, आप चाहे तो यहाँ से तोड़ दो ऊपर वाले को, ये बन गया, ये नीचे वाला अलग बन गया। तो अपन चलिए देखते हैं ऐसे तोड़ेंगे, ये बन गया देखिए, तो यहाँ से अपना ये अलग डायग्राम बन गया, तो ये अपना अलग है। तो इसको मान लेते हैं डायग्राम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं डायग्राम टू। तो ये डायग्राम टू है, तो ये अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ निकाल के रख लेते हैं, ये कहीं काम आने आएगा। तो देखिए ये 20, तो यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस भी 20 होगा, ये 20, तो ये पूरा है 80, तो 80 में से 20 गया तो ये बच जाएगा 60, 60 अपना यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो चलिए ये कहीं काम आएगा आगे। तो देखते हैं फिगर फर्स्ट में, इन फिगर फर्स्ट, तो फिगर फर्स्ट में क्या है अपने पास, ये A1 एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से लेकर के फर्स्ट डायग्राम तो यहाँ तक मान ली, यहाँ तक नहीं मानी, पूरे यहाँ तक मान चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 इंटू में 20, 20 मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला थिकनेस, ये 20 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 mm स्क्वायर। देखिए इसके लिए एक्स अगर यदि निकालेंगे, ये इंडिविजुअली डायग्राम को देखिए, अपने को ये डायग्राम सेकेंड नहीं देखना है, बस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो, इसको ढक लो।
तो फर्स्ट वाले डायग्राम का सीजी कहीं यहाँ होगा, तो एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स वन, तो ये एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वन का वैल्यू देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 20, तो 20 का हाफ हो जाएगा एक्स वन, तो ये 10 mm। अब अगर यदि वाई वन अगर निकाले इसी डायग्राम का, फर्स्ट वाले डायग्राम का ही, तो वाई वन यानी कि यहाँ ये वाला एफ ई एक्सिस से इस वाले फर्स्ट वाले का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट वाले डायग्राम का सीजी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100/2, यानी कि ये 50 mm हो गया। अब अगर यदि फिगर 2 में चलते हैं, फर्स्ट वाले फिगर का अपना काम हो गया, फिगर सेकेंड में अगर चलते हैं तो उसके लिए एरिया हो जाएगा A2 कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है सेकेंड फिगर अपना, तो ये एरिया हो गया 60 × 20, तो ये हो गया 1200 mm², और यदि एक्स 2 निकालेंगे तो ये देखिए, बस अपने को इसका सीजी देखना है इस वाले डायग्राम का, ये जो अपना पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन, तो इस पोर्शन का सीजी कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ तक का लेंथ कैसे निकलेगा, देखिए एक तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक 20, अब क्या है यहाँ से यहाँ तक अपना डायग्राम सेकेंड था, तो डायग्राम सेकेंड ये 60 है, तो 60 का हाफ ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 60/2, तो ये हो जाएगा अपना ये 30 और 20, 50 mm। अब क्या है इसमें Y2, इस वाले डायग्राम के लिए यहाँ से यहाँ तक का, मतलब Y में इस एक्सिस से इस डायग्राम सेकेंड वाले डायग्राम का लेंथ, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, 20 का हाफ, 20/2 = 10 mm हो गया। अब चलते हैं ये देखिए, फर्स्ट वाले डायग्राम का एरिया और X1 Y1 निकाल लिए, सेकेंड वाले का भी A2 X2 Y2 निकाल लिए, अब देखते हैं डिस्टेंस एक्स बार और वाई बार कैसे निकालेंगे। तो पहला अपना क्या है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन सीजी एंड AF, ये देखिए AF जो एक्सिस लिए थे रेफरेंस, AF और मेन पूरा डायग्राम का जो सीजी आने वाला है, यानी कि एक्स बार, एक्स बार कैसे निकलेगा अपना, A1 X1 + A2 X2 / A1 + A2, ये देखिए A1 ये पूरा ऊपर में वैल्यू अपना आया हुआ है, ये अगर पूरा वैल्यू अपन रखते हैं 2000 × x, ये 10 है और ये प्लस में 1200, ये 1200 इंटू में ये 50 है, नीचे दोनों एरिया का सम, अगर ये पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 25 mm। तो ये तो रहा एक्स बार, इसमें क्या वाई बार भी निकालना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा सिमिलरली, डिस्टेंस बिटवीन सी जी एंड एफ ई, ये देखिए ये है वाई बार निकालने के लिए, ये एक्सिस निकाले थे लिए थे एफ ई से डिस्टेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा वाई बार का भी फॉर्मूला वही होता है, A1 Y1 + A2 Y2 / A1 + A2, एक क्या हो जाएगा, ये देखिए A1 का वैल्यू 2000 था अपने पास, और Y1 का वैल्यू Y1 का 50 है, प्लस में देखिए ये A2 1200 है इंटू में 10, ये वाला 10/2 में दोनों एरिया का सम, यानी कि 2000 + 1200 = ये हो गया 35 mm। ये देखिए ये भी हमारा आंसर है, ये दोनों, ये देखिए ये डायग्राम में क्या था, किसी भी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं था, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं था, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाना है ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे, तो एक्स बार भी निकाले इसमें और वाई बार निकाले, और ये अपना अपन अभी तक मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, और भी इजी प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको किस कर सकते हैं, अगर यदि आई सेक्शन अपने पास आ जाए तो वो किस करोगे, ये देखो ये आपके सामने बुक रहा, ये आप वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं तो बना ले, ये देखिए यहाँ से लेकर के 150 है और ये 100 है और ये 50, ये वाला 50 दिया हुआ है, देखिए इसको कुछ नहीं करना, ये देख रहे हैं हम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि वाई बार ही बस फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड नहीं करना है, तो
तो बस ये 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो मैं बता देता हूँ, ये देखना, इसको 3 पार्ट में बांट लो। ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये सेकंड डायग्राम हो गया, और ये थर्ड डायग्राम हो गया। तो तीनों ही डायग्राम के अलग अलग एरिया निकाल लेना, A1, A2, A3 और Y1, Y2, Y3। जैसे कि अगर ये बीच वाले का Y2 निकालना, डायरेक्ट मैं Y2 के लिए हिंट करता हूँ, Y2, ये सेकेंड वाले के लिए Y2 निकालने का होगा। तो ये तो 100 होगा ही, 100 प्लस में ये यहाँ से यहाँ तक जो 300 है, 300 का हाफ, ये हो गया हमारा Y2। अगर यदि इसी तरह से ये वाले डायग्राम के लिए Y निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस इसका हाफ करना। ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, Y बार का वैल्यू है 160.7 mm। आप निकाल के देख लेना, ये आपके ऊपर प्रॉब्लम छोड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब तीनों का तीनों चारों प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो लाइक बटन नीचे दबा दे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।